नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकट के राष्ट्रीय सचिव चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता की ग्रहण। खबर गौतम बुद्ध नगर से जेवर क्षेत्र के गांव चौरली से है, जहां बीती 28 तारीख को भारतीय किसान यूनियन टिकट अराजनैतिक के राष्ट्रीय सचिव चौधरी महेंद्र सिंह चौरली ने जेवर ब्लॉक पर एक महापंचायत कर किसानों की फसल धान मक्का बाजरा को एमएसपी के सरकारी रेट पर खरीदवा कर उचित मूल्य किसानों को दिलवाने का कार्य किया। यह भारतीय किसान यूनियन टिकट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रास नहीं आया, जिसको लेकर महेंद्र सिंह चौरली को पदमुक्त कर दिया गया। महेंद्र सिंह चौरली ने कहा कि अगर किसानों की लड़ाई के लिए मुझे हजारों बार भी पदमुक्त होना पड़े तो मैं पदमुक्त होता रहूंगा, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने किसानों की लड़ाई के लिए ही जन्म लिया है और किसानों के न्याय के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। न्याय दिलाता हूं। और चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली ने अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता ग्रहण की और भारतीय किसान भानु में शामिल हो गए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो चीफ देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप पहले से भारतीय किसान अराजनैतिक के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या कारण रहा इन दोनों घटनाओं के बीच, जो कि चौधरी साहब ने अराजनैतिक छोड़कर भंग? देखिए, ऐसा है, चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली पिछले 35 वर्ष से संगठन में लगे हुए हैं और उस समय से संगठन में लगे हुए हैं जब ना गाड़ी हुआ करती थी, ना बाइक हुआ करती थी, ना साइकिल हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्होंने उस समय संघर्ष किया है जब कोई साधन नहीं हुआ करते थे। पिछले बुधवार को किसानों की समस्याओं को देखते हुए चौधरी महेंद्र चौरोली के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में किसानों ने इकट्ठा होकर महापंचायत की थी और प्रशासन से अपनी बात को मनवाया था। जो किसानों का बाजरा 1100 रुपये में तोला जा रहा था नैतिक रूप से, उस बाजरे को 2100 रुपये में सरकारी रेट पर, एमएसपी रेट पर, उसको बाजार में शासन के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर तुलवाया था। ये चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली की ताकत है कि जो 1100 रुपये का जो बाजरा था वो 2100 रुपये में खोला गया। लास्ट जनवरी सन 11 से चला रहा हूँ। ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने संगठन को बनाया था। राधा मैया के पिता बरस भानु के नाम पर भारतीय किसान भानु नाम पड़ा था और फिर कांग्रेस सरकार से लड़वाया, सब सरकारों से वो लड़वाते रहे, संगठन हम बढ़ाते रहे। आज बहुत बड़ा संगठन है भारतीय किसान भानु का, 100% ईमानदारी के साथ चलाता हूँ। इसलिए आज यहाँ चौरोली में आकर हमारे बवर शेर पुराने साथी महेंद्र सिंह चौरोली और उनकी सारी टीम, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर की हो, बुलंदशहर की हो, अलीगढ़ की हो, मथुरा की हो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले की हो या दूसरे किसी प्रदेश की हो, सब भारतीय किसानों में आ गई है। इसलिए मैंने एक पद इनको भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, एक ही पद होगा पूरे देश में, एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का पद होगा। वो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आज से श्री महेंद्र सिंह चौरोली होंगे। और इसके संयोजक भारतीय किसानों भानु के संयोजक होंगे ओम प्रकाश कसाना, जो भी यहीं के इसी जिले के हैं, और इसके प्रवक्ता होंगे पूरन पहलवान, और इनके राष्ट्रीय सचिव सुंदर बालियान, और चार राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिए हैं। प्रदेश के पदाधिकारी बनाए जाएंगे, मंडल के पदाधिकारी बनाए जाएंगे, जिलों में बनाए जाएंगे, तहसील ब्लॉकों में बनाए जाएंगे, और पूरी इनकी टीम को सम्मान दिया जाएगा। और भानु प्रताप सिंह ने हमेशा सबको
प्रतिक्रिया देंगे और सम्मान इसलिए दे रहा हूं कि बांकुरे लड़ाकू सरकार से किसानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए, किसान मजदूर गरीब की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हम लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 72 साल बाद एक महाभारत करेंगे और सत्यदेव जयते, सत्य की जीत होती है, इसलिए हम जीतेंगे और राक्षस प्रवृत्ति के राजनेता हारेंगे। क्यों? कि हमें सारे त्रेतायु में रावण हारे, द्वापर और अंग्रेजों से लड़ने में गांधी जी जीते और अंग्रेज हारे। फिर और आगे बताऊं।